माय चैनल दैट्स काला गल और मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन ये मेरी रेगुलर वीडियो से थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको आपकी कुछ मिस्टेक्स पॉइंट आउट कराने वाली हूं। जी हाँ गाइज, ये कोई स्किन केयर मिस्टेक्स नहीं है, ये ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपने कभी आपके दिमाग में भी नहीं आया होगा कि आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी जगह बताऊंगी जहां पर आप अगर सनस्क्रीन डेली भी लगाते हैं ना, तो ये 5 ऐसी एसेंशियल जगह हैं जहां पे आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए लेकिन आप नहीं लगा रहे। तो चलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से कौन कौन सी जगह मिस कर रहे हैं, या फिर मेरी तरह आप भी 5 जगह मिस कर दे रहे हैं जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। तो पहली जो जगह है जहाँ पे हमें SPF अप्लाई करना चाहिए बट हम नहीं करते हैं, वो है आपके लिप्स। जी हाँ गाइस, आपकी जो रेगुलर सनस्क्रीन है वो आप अपने लिप्स पे नहीं लगा सकते। लिप्स के लिए आपको एक डेडिकेटेड लिप बाम, SPF वाला लिप बाम ही लगाना होगा, लेकिन लिप्स पे SPF अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे अभी करेंटली नहीं पता कौन सा बेस्ट लिप बाम है जो आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी रखे और आपको प्रोटेक्शन भी दे, क्योंकि मैंने बहुत सारे SPF वाले लिप बाम ट्राई किए हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा लाइट वेट होते हैं कि मुझे हर 10 मिनट बाद उन्हें रीअप्लाई करना पड़ता है। मेरे जो लिप्स हैं वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ड्राई हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ टास्क। अगर आप में से किसी को भी एक अच्छा सा लिप बाम पता है जिसमें आपको 15-30 SPF तक SPF नंबर मिल रहा हो और जो लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज रखे, हाइड्रेटेड रखे, तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरी जगह है जहाँ पे हम सनस्क्रीन अप्लाई करना मिस कर देते हैं बट लगाना बहुत ज़रूरी है, वो है आपके कान। मैं पर्सनली सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह पे, अपने नेक पे सनस्क्रीन लगाती हूँ, कानों पे सनस्क्रीन लगाना मैं हमेशा भूल जाती हूँ। कई बार मैंने सोचा है कि मैं लगाऊंगी लेकिन ज़्यादातर टाइम निकल ही जाता है, मिस हो जाता है। तो मुझे नीचे बताइएगा कि आप अपने कानों पे सनस्क्रीन लगाते हैं जब भी बाहर जाते हैं, एटलीस्ट जब आप बाहर जाते हैं। घर में अगर रह रहे हैं तो चलो जब तो छोड़ो ही, लेकिन मैं तो जब बाहर जाती हूँ ना तब भी मिस कर देती हूँ। कितनी बार ऐसे होता है कि जब मैं बाहर से घर पे आती हूँ तो मेरे कान या तो काले होते हैं या तो लाल हो जाते हैं। तीसरी जगह जहाँ पर शायद आप में से कुछ लोग सनस्क्रीन लगाना मिस कर रहे होंगे, वो है आपके आई के अराउंड का एरिया, या फिर मुझे कहना चाहिए आई लिड। हो सकता है कुछ लोग आई के अराउंड लगाते हो लेकिन आई लिड मिस कर देते हो। उसका एक रीज़न ये भी है कि मोस्टली जो सनस्क्रीन है, जब आप अपने आई कंटूर या आई एरिया के आसपास लगाते हैं तो आपकी आंखें जलने लगती हैं। इवन एक सनस्क्रीन के साथ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही हॉरेबल रहा था, वो थी रिकुल की एक इन्होंने सनस्क्रीन बनाई है, ऑक्सीबेंजोन फ्री सनस्क्रीन। जब मैंने और विवेक ने दोनों ने उसे अप्लाई किया ना, आंख से आंसू बहने लग जाते हैं, इतनी ज़्यादा वो स्ट्रांग है सनस्क्रीन। उसमें पता नहीं क्या ही ये लोग डाले हैं कि उसे तो बस यहाँ बस गाल तक लगाओ और बस छोड़ दो, उसे मैंने यूज़ नहीं किया उसके बाद। एनीवे, तो बहुत सारी सनस्क्रीन भी ऐसी होती है कि जिसकी वजह से आप उसे अपने अंडर आई एरिया के आसपास नहीं लगा सकते। यहाँ की जो आपकी स्किन है ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यहाँ पे आपको सनस्क्रीन SPF लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए एक अच्छी सनस्क्रीन लीजिए। अगर आपकी करंट सनस्क्रीन आपके यहाँ वाले एरिया पे जलती है ना, तो एक अच्छी सनस्क्रीन लीजिए और इस वाले एरिया पे SPF लगाना शुरू कर दीजिए। चौथी जगह, आपके बाल। अब आप सोचेंगे बालों पे कौन सनस्क्रीन लगाता है, कौन सी ऐसी सनस्क्रीन या SPF आया है जो कि हम बालों पे लगा सकते हैं। है, सनस्क्रीन नहीं है, लेकिन आपको अपने बालों को, अपनी हेयर लाइन को प्रोटेक्ट करना यूवी की हार्मफुल रेज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपके पास 2 बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। इसमें आपको कुछ नेचुरल सन ब्लॉकर मिलेंगे जो आपके हेयर क्यूटिकल्स को प्रोटेक्ट करेंगे, उन्हें स्ट्रेंथ देंगे और उन्हें हार्मफुल वेदर से और जितना भी पोल्यूशन वगैरह है उससे प्रोटेक्ट करेंगे। एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में आता है, एक्सपेंसिव नहीं कहूँगी लेकिन हाँ मैं कहूँगी थोड़ा सा महंगा है और एक थोड़ा सा सस्ता है। तो जो मैंने अभी अभी रिसेंटली यूज़ करना स्टार्ट किया वो है डॉट एंड की का हिलारोनिक एसिड प्लस सेरामाइड हेयर ट्रीटमेंट सीरम। सेरामाइड जैसे हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है ना, ऐसे ही हमारे बालों के लिए भी सेरामाइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बालों के क्यूटिकल्स जो हैं वो सेरामाइड से बने होते हैं, उसमें सेरामाइड्स नेचुरली पाया जाता है, लेकिन
ओबियसली जब आपका बाल निकलना शुरू होता है तब उसमें होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होकर नीचे आता है ना, सेरामाइड्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, वो एकदम डेड हो जाते हैं। तो इसीलिए सेरामाइड बेस्ड आप अगर कोई भी सीरम वगैरह अपने बालों में लगाएंगे तो वो आपके बालों को शाइनी बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, हेल्दी लुकिंग बनाएगा, मैनेजेबल तो बनाएगा ही। मैनेजेबल बनाने के लिए आपको बहुत सारे सीरम मिल जाएंगे, बट ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ना वो आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा। तो इसीलिए ये आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा जो कि मैंने बोला सस्ता ऑप्शन है वो है ये मामा अर्थ का राइस वंडर वाटर। ये क्या है, आपको बहुत मतलब ऐसा है कि बहुत, मैं इसे नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं लगाने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने बालों पे एक प्रोटेक्टिव लेयर लगा के जाएं। ये आपको पानी जैसा मिलता है, इसमें आपको एक्चुअली कैरेटीन भी मिल रहा है। कैरेटीन आपको पता होगा हमारे जो बाल हैं वो कैरेटीन नाम के प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो सीरम है, ये जो राइस वंडर वाटर है, ये इतना ज़्यादा मुझे इफेक्टिव नहीं लगता जितना कि ये है। बट मैंने जैसे कि आपको बताया, बिना किसी प्रोटेक्शन में अपने बालों को ऐसे धूल मिट्टी पोल्यूशन में छोड़ देने से अच्छा है कि आप ये लगाएं। ये आपके बालों को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा। और रही बात आपकी हेयरलाइन की, तो जब भी तेज धूप में बाहर जाएं तो कैप लगा के जाएं। फैशन वैशन छोड़ो कि कोई क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, अपने बालों को, अपने सर को, अपनी स्कैल्प को बचाओ। जब भी तेज धूप में बाहर निकलो तो सर ढक ले, ठीक है। तो ये हो गई चौथी जगह। पांचवी जगह जहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा सनबर्न और टैनिंग की प्रॉब्लम होती है वो है मेरे फीट के ऊपर वाला हिस्सा। मेरे फीट का ऊपर वाला हिस्सा ना हमेशा काला रहता है, और इवन मैं जो भी चप्पल पहनती हूँ ना, जो भी स्लीपर या फुटवेयर पहनती हूँ, उसका डिज़ाइन मेरे फीट के ऊपर छप जाता है। मैं अपने हाथों पे सनस्क्रीन लगाती हूँ, मैं अपने पैरों पे भी पूरा पूरा सनस्क्रीन लगाती हूँ। जो बड़े बड़े एरिया है ना वो हमें याद रह जाते हैं कि भाई इस पे धूप लगेगी, लेकिन जो छोटे छोटे एरिया है ना वो हम मिस कर देते हैं, और वहीं पर ही सबसे ज़्यादा ख़राब लगता है। जब आप कोई भी सुंदर सी चप्पल पहन के पार्टी वार्टी में जाते हो ना, पतली वाली स्ट्रिप की चप्पल पहन के, पता चलता है कि जो दिन में चप्पल पहन रहे हो वो पूरी की पूरी छपी हुई आपके पैरों में दिखाई दे रही है। मेरे साथ तो एकदम ऐसे ही होता है। तो इसीलिए मैं बहुत सारे मास्क, जो मेरे फेस वाले मास्क हैं, वो मैं अपने पैरों की टैनिंग को दूर करने के लिए लगाती हूँ वीक में 1 से 2 बार। बहुत जल्दी मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी कुछ 2 अच्छे फेस मास्क, मुझे अभी भी पता चले हैं, जो टैनिंग पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं अपने पैर पे ही उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे फेस पे टैनिंग नहीं है, पैर पे सिर्फ मुझे टैनिंग होती है। तो मैं अपने फीट के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना वहाँ पे आपको वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी। एनीवे, यही वो 5 जगह हैं जो मुझे लगा मैं मिस करती हूँ सनस्क्रीन लगाना या SPF लगाना। आप भी करते होंगे, तो अगर आप भी मेरी तरह मिस कर दे रहे हैं तो कल से ही यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो गाइज, मुझे उम्मीद है आज की ये जो वीडियो है इंटरेस्टिंग सी, ये आपको पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू, बाय बाय। मैं आपको यही बताना